क्या तुम लोगों बताए माइनक्राफ्ट के अंदर वार्डन का वीकनेस क्या है और बताओ कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले माइनक्राफ्ट के कुछ बेहतरीन मॉब्स एंड उनके वीकनेस को। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते। तो लेट्स गो, निकल लेते हैं अपना पहले नंबर की मॉब के ऊपर जो कि है भाई मैग्मा क्यूब। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर मैग्मा क्यूब एक ऐसा नेदर का मॉब है जिसको फायर से भी डैमेज नहीं मिलता है और लावा से भी डैमेज नहीं मिलता है। यही पे खत्म नहीं होता है, ओवर द वर्ल्ड में मैग्मा क्यूब को वाटर से भी डैमेज नहीं मिलता है। अभी सवाल ये है फिर मैग्मा क्यूब का वीकनेस क्या है। माइनक्राफ्ट के अंदर मैग्मा क्यूब का वीकनेस बेसिकली पाउडर स्नो है। बिल्कुल भाई, अगर हम लोग मैग्मा क्यूब को पाउडर स्नो के ऊपर छोड़ देते तो थोड़ी देर में मैग्मा क्यूब को डैमेज मिलना चालू हो जाता है और काफी भयंकर डैमेज मिलता है। बेसिकली पाउडर स्नो के ऊपर मैग्मा क्यूब को थोड़ा सा ज्यादा ही डैमेज मिलता है और तो और पाउडर स्नो के ऊपर मैग्मा क्यूब सही से जंप भी नहीं कर पाता है। पाउडर स्नो के अंदर मैग्मा क्यूब पूरी तरीके से कैद हो जाता है। खैर फटाफट निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला मॉब के ऊपर जो की भाई एंडामाइट। देखो ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर एंडामाइट का सबसे बड़ा दुश्मन है एंडरमैन। लेकिन माइनक्राफ्ट के पुराने वर्जन में अगर हम लोग एंडरमाइट को सोल सैंड के ऊपर छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद एंडरमाइट को सोल सैंड से डैमेज मिलना चालू हो जाता है। बेसिकली इधर भाई एंडरमाइट इतना ज्यादा छोटा है कि वो सोल सैंड के अंदर सफोकेट हो जाता है। बात यार सही है भाई। खैर कोई बात नहीं, चलते अपना नेक्स्ट वाला मॉब के ऊपर जो कि भाई फॉक्स। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर फॉक्स को बहुत मॉब से खतरा है जैसे कि पोलर बियर या फिर उल्फ। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के पुराने वर्जन में बेबी फॉक्स को वाटर से बहुत खतरा था। बिल्कुल सही सुन रहे हो भाई, वाटर से खतरा था। बेसिकली माइनक्राफ्ट के पुराने वर्जन में अगर बेबी फॉक्स मछली पकड़ने के लिए पानी के अंदर उतरता था तो बेबी फॉक्स इतना छोटा हुआ करता था कि उसका मुंह भाई पानी के नीचे ही रहता था। तो फिर होना क्या है, थोड़ी देर पानी के अंदर रहने के बाद बेबी फॉक्स पानी के अंदर सफोकेट होने लगता था और फिर पानी के ऊपर ही मर जाता था। भाई कमाल है भाई, क्लियर कट दिख रहा है पानी के ऊपर है बंदा फिर भी मर रहा है। हालांकि ये चीज माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन में फिक्स हो चुका है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट कर दो इस वीडियो का लाइक और लगते 1900 लाइक प्लीज कर दो और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। लेट्स गो, निकल लेते हैं अपना नेक्स्ट वाला मॉब के ऊपर जो कि है भाई डॉल्फिन। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर लगभग हर एक पानी वाले मॉब को अगर हम लोग पानी के बाहर निकाल देते तो थोड़ी देर बाद वो लोग सफोकेट होके मर जाता है। लेकिन अगर हम लोग डॉल्फिन को पानी के बाहर छोड़ देते तो 2 मिनट तक डॉल्फिन पानी के बाहर सांस ले सकता है और तो और अगर बाहर बारिश हो रहा है तो फिर डॉल्फिन भाई आराम से पानी के बाहर भी रह सकता है। लेकिन क्या डॉल्फिन पानी के अंदर रह सकता है? नहीं भाई, अगर पानी के अंदर हम लोग डॉल्फिन को कैद कर देते तो ठीक 4 मिनट बाद पानी के अंदर डॉल्फिन को डैमेज मिलना चालू हो जाता है। बेसिकली डॉल्फिन पानी के अंदर सफोकेट होके मर जाता है। जी हाँ बिल्कुल, डॉल्फिन को पानी से थोड़ा बहुत खतरा है अगर वो पानी के अंदर फंस जाता है तो। चलो जो भैया निकल लेते हैं अपना नेक्स्ट वाला मॉब के ऊपर जो कि है भाई स्लाइम। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर स्लाइम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ मॉब होता है। माइनक्राफ्ट के अंदर स्लाइम का कोई वीकनेस तो नहीं है लेकिन स्लाइम को सही से चलना नहीं आता है। मतलब स्लाइम बड़े आराम से लावा के ऊपर कूद जाता है और कूद के मर जाता है भाई। तो हाँ बिल्कुल, स्लाइम का वीकनेस है कि उसको सही से चलना नहीं आता है। खैर निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला मॉब के ऊपर जो कि है भाई बीज। अभी तुम लोग कहोगे माइनक्राफ्ट का छोटा सा मॉब बी का क्या ही वीकनेस हो सकता है। माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर बेसिकली बीज को पानी से बहुत तगड़ा डैमेज मिलता है। बिल्कुल, जैसे ही बी भाई पानी के अंदर जाता है तो उसको डैमेज मिलना चालू हो जाता है। तो बिल्कुल पानी बी का एक बहुत बड़ा वीकनेस है। लेट्स गो, निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला मॉब के ऊपर जो कि है भाई गार्डियन। ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर गार्डियन पानी के बाहर भी सांस ले सकता है। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर गलती से भी गार्डियन पानी को छोड़ के लैंड में आ जाता है तो वो रैंडमली जंप करता है और इस तरीके से जंप करने की वजह से कभी कभी गार्डियन को फॉल डैमेज मिलता है। बिल्कुल खुद ही जंप कर रहा है और खुद को ही डैमेज मिल रहा है भाई। चलो जी भैया फटाफट निकल लेते हैं अपना नेक्स्ट वाला मॉब के ऊपर जो कि भाई एल्डर गार्डियन। माइनक्राफ्ट के अंदर एल्डर गार्डियन का सबसे बड़ा कमजोरी है भाई आयरन गोलेम।
बिल्कुल, अगर आयरन गोलेम एल्डर गार्डियन के ऊपर अटैक करता है तो रिस्पॉन्स में एल्डर गार्डियन आयरन गोलेम के ऊपर अटैक नहीं करता है। अभी क्यों नहीं करता है मेरे को नहीं पता, लेकिन नहीं करता है भाई। तो हाँ बिल्कुल, हम लोग कह सकते हैं एल्डर गार्डियन भाई आयरन गोलेम से बहुत तगड़ा डरता है। खैर झट से निकल लेते हैं, चलते हैं अपना नेक्स्ट वाला मॉब के ऊपर जो कि है भाई सल्कर। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर सल्कर एक ऐसा मॉब है जो एंडरमैन की तरह टेलीपोर्ट हो सकता है। मतलब कुछ ऐसा चीज अगर सल्कर के सामने आ जाए जो सल्कर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो सल्कर तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है। बिल्कुल, अगर हम लोग सल्कर के बाजू में वाटर या फिर लावा को डाल देते तो सल्कर तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है। मतलब कुछ हद तक भाई सल्कर को वाटर एंड लावा बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। खैर चलते अपना नेक्स्ट वाला मॉब के ऊपर जो कि है भाई बैट। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर बैट एक ऐसा मॉब है भाई जो खुद से मर जाता है। मतलब बैट का वीकनेस खुद बैट ही है। अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत सिंपल है भाई। बेसिकली बैट कभी कभी भाई उड़ते उड़ते खुद से लावा के अंदर घुस जाता है एंड मर जाता है भाई। मतलब इससे और यूनिक तरीका और क्या ही हो सकता है। मतलब बंदा उड़ सकता है एंड उसको जाना किधर है, लावा के अंदर। बहुत सिंपल, कोई बात नहीं। चलते अपना नेक्स्ट वाला मॉब के ऊपर जो कि है भाई ब्लेज। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर ब्लेज का सबसे बड़ा वीकनेस भाई वाटर है और स्नोबॉल से भी ब्लेज को अच्छा खासा डैमेज मिलता है। लेकिन क्या तुम लोगों को बताएं, माइनक्राफ्ट के अंदर ब्लेज को पाउडर स्नो भी बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल, ब्लेज का एक और कमजोरी पाउडर स्नो भी है। पाउडर स्नो के अंदर घुसते ही ब्लेज को थोड़ी देर में डैमेज मिलना चालू हो जाता है एंड कुछ ही सेकंड में ब्लेज का बेरागर हो जाता है भाई। खैर ब्लेज तो फिर भी ठीक है, माइनक्राफ्ट का सबसे डरावना मॉब वार्डन को किससे डर लगता है ये तो हम सबको पता है। माइनक्राफ्ट के अंदर वार्डन को ना तो फायर से डैमेज मिलता है और ना ही लावा से डैमेज मिलता है। तो फिर वार्डन का वीकनेस क्या है, वार्डन का वीकनेस है भाई वाटर। 100% सही सुन रहे हो भाई, वार्डन का वीकनेस है वाटर। माइनक्राफ्ट के अंदर वार्डन वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। मतलब जितना तेज ये बंदा जमीन के ऊपर है उतना ही स्लो ये बंदा वाटर के ऊपर है। तो अगर कोई वार्डन हमारा पीछा कर रहा है एंड देन हम लोग बीच रस्ते पे वाटर डाल देते तो वार्डन वाटर को क्रॉस नहीं कर पाता है। हालांकि इस हालत में भी वार्डन सोनिक बूम का इस्तेमाल तो कर ही सकता है, लेकिन फिर भी वाटर वार्डन का बहुत बड़ा कमजोरी है। तो लेट्स गो, चलते अपना नेक्स्ट वाला मॉब के ऊपर जो कि है भाई खतरनाक रेवेजर। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर रेवेजर का ज्यादा कुछ वीकनेस है नहीं, लेकिन अगर हम लोग बेरी बुश से एक घेरा बना देते तो फिर रेवेजर उससे नहीं निकल पाता है। लेकिन सिर्फ रेवेजर नहीं, और भी बहुत सारा मॉब भाई बेरी बुश को क्रॉस नहीं कर पाता है। लेकिन एक टाइम था जब रेवेजर को एक मॉब से बहुत भयंकर डर लगता था। जब पहली बार रेवेजर ऐड हुआ था तो रेवेजर को रैबिट से डर लगता था। बिल्कुल भाई, छोटा सा रैबिट पूरा का पूरा रेवेजर को डरा देता था भाई। लेकिन खैर ये वाला चीज आगे जाते हुए फिक्स हो गया एंड अभी रेवेजर रैबिट से बिल्कुल नहीं डरता है। तो चलो जी भैया निकल लेते हैं अपना नेक्स्ट वाला मॉब के ऊपर जो कि भाई स्नो गोलेम। देखो ये तो हम सबको बताया, अगर हम लोग स्नो गोलेम को कोई भी हॉट एरिया में स्पॉन करते हैं तो स्नो गोलेम भाई तुरंत मर जाता है, जैसे कि नेदर या फिर डेजर्ट। लेकिन अगर हम लोग स्नो गोलेम के ऊपर फायर रेजिस्टेंस वाला पोशन डाल देते तो स्नो गोलेम भाई बड़े आराम से हॉट एरिया में भी सरवाइव कर सकता है। लेकिन स्नो गोलेम का एक और वीकनेस भी है जो कि भाई वाटर। बिल्कुल, बारिश में स्नो गोलेम को बहुत तकलीफ होता है और इससे स्नो गोलेम को बचाया नहीं जा सकता। अगर हम लोग वाटर ब्रीदिंग वाला पोशन भी डाल देते तब भी स्नो गोलेम को बारिश से डैमेज मिलता है। तो बिल्कुल वाटर भाई स्नो गोलेम का बहुत बड़ा वीकनेस है। तो फाइनली हम लोग 50K सब्सक्राइबर हो चुका है, तो Q&A एंड सर्वाइवल सीरीज भाई हमारे सेकंड चैनल पे आएगा। तो सेकंड चैनल भाई अभी स्क्रीन पे आ रहा है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो फटाफट जाओ और सब्सक्राइब करो यार। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।